मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये पूछा कि सर हमारे अपलाइन हमारी मदद नहीं करते, वो हमारा साथ नहीं देते, तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो के बाद आप कभी भी ये सवाल नहीं पूछेंगे, मैं इस बात का आपको वादा करता हूं। लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखिएगा और इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लेकर आ रहा हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अपलाइन साथ नहीं देता, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि अपलाइन का मतलब क्या है। आपको जिसने ज्वाइन करवाया, आपका स्पॉन्सर, क्या वो आपका अपलाइन है? जी हां, वो आपका अपलाइन है। उसके स्पॉन्सर, क्या वो आपके अपलाइन है? जी हां, वो आपके अपलाइन है। यानी आपके ऊपर जितने भी लोग एक लाइन से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे आपके अपलाइन हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम जब ये बोलते हैं कि आप अपने अपलाइन को 100% फॉलो कीजिए, आप अपने अपलाइन के साथ रेगुलर काउंसलिंग कीजिए, तो हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते जो आपके ऊपर लटका हुआ है। हम बोलते हैं एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब भी अपलाइन की बात होती है तो एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन की बात होती है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके सीरीज में, अपलाइन की सीरीज में कौन सा अपलाइन एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है? तो मैं आपको 5 क्राइटेरिया बता देता हूं जिसके आधार पर आप अपने नियरेस्ट एक्टिव अपलाइन की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, ही शुड बी एक्टिव, यानी वो सक्रिय होना चाहिए। वो कंपनी की सिस्टम की सारी मीटिंगों में, सारी गतिविधियों में आपको नजर आना चाहिए। और आज के समय में जहां ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो वो कंपनी के हर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नजर आना चाहिए, वो अपनी टीम के साथ संपर्क में होना चाहिए, ये उसकी पहली पहचान है। दूसरी चीज, उसका करेक्टर सही होना चाहिए, यानी उसका चरित्र बेदाग होना चाहिए। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपने अपलाइन को मिलवाते हुए गर्व महसूस कर सकें, यह बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, आपके अपलाइन का सिस्टम पर पूरा फेथ होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए और वो सिस्टम का एक फॉलोअर होना चाहिए। चौथी चीज, आपके अपलाइन कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके सामने नेगेटिव बातें ना करें, न कंपनी के बारे में, न प्रोडक्ट के बारे में, न अपने अपलाइन के बारे में, यानी कि न सिस्टम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपके अपलाइन आपके सामने नेगेटिव बातें ना करें। हां, अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही, अगर उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो उन्हें अपने अपलाइन के पास जाना है, न कि अपने डाउनलाइन के पास, यानी न कि आपके पास। आपके पास नहीं आना, अपने अपलाइन के पास जाना है। अगर वो आपके सामने नेगेटिव टॉक करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके अपलाइन ग्रोइंग होने चाहिए, वो लगातार अपने आप को डेवलप करते हुए होने चाहिए, उनके अंदर आपको परिवर्तन लगातार दिखाई देना चाहिए, लगातार वो सिस्टम के संपर्क में हो, ऐसा लगना चाहिए उनकी बातों से कि जो वो कल थे आज उससे बेहतर हो चुके हैं और लगातार बेहतर हो रहे हैं। यानी वो एजुकेशन ले रहे हो, वो किताबें पढ़ रहे हो, यानी वो अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपनी बोलने की शैली, अपनी बात करने की कला वो लगातार डेवलप कर रहे हो। तो ये 5 चीजें जिसके अंदर हैं आपका वो एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है। और इसके अलावा जितने भी आपके अपलाइन हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन अपलाइनों से मदद मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए, जहां तक हो सके, जितना हो सके और जहां आपको उचित लगे आप उनसे सहयोग लीजिए, जहां लगे आपको जरूरत लगे तो उनको थोड़ा एडिफाई भी कीजिए। लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आपके किसी भी अपलाइन की निंदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उनकी आलोचना, उनकी शिकायत, उनकी बुराई, उनके पीठ पीछे उनकी बातें आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं करनी है, चाहे वो आपके एक्टिव अपलाइन ना भी हो।
तो आप अपने एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को 100% फॉलो कीजिए, मगर उसके अलावा जितने भी अपलाइन हैं उनकी हर बात को आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। उनके ऊपर के किसी एक्टिव अपलाइन के साथ कंसल्ट करके ही आपको उस बात को फॉलो करना है। तो आपने अगर अपना एक्टिव अपलाइन चुन लिया, ढूंढ लिया, अब ये देखते हैं कि वो अगर आपका साथ ना दें, तो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 90% मामलों में, यानी 90% मामलों में, अगर आपका अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन अगर आपकी मदद नहीं कर रहा, अगर आपकी सहायता नहीं कर रहा, तो 90% मामलों में गलती अपलाइन की नहीं होती, गलती हमारी होती है, यानी डाउनलाइन की होती है, यानी आपकी होती है। जाने अनजाने कहीं ना कहीं गलती हो रही होती है। हो सकता है हम अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता है बार बार किसी बात के लिए रोकने के बावजूद भी हम वही काम कर रहे हैं, हो सकता है हम जाने अनजाने किसी अनएथिकल प्रैक्टिस पर संलग्न हो सकता है कि हम अपनी गुडविल खुद खराब कर रहे हो, पैसों का लेन देन हमारा गड़बड़ हो सकता है हम अपने कमिटमेंट को पूरा न कर पा रहे हो सकता है कि हम उसे मीटिंग और सेमिनारों में नजर न आ रहे हो सकता है कि हम बड़े सपने, बड़े लक्ष्य न बना रहे हो। तो कुछ भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि हमारा अपलाइन तब तक तो हमारे साथ चले जब तक उसके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जैसे ही विकल्प मिलेगा वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना समय इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। तो 90% मामलों में चेक कीजिए, गलती अपनी ही होती है। कभी कभी हम अपने अपलाइन को वो सम्मान नहीं दे पाते जिसके वो हकदार है, कभी कभी हम उसको उतना एडिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि एडिफिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे जरूरी पार्ट है, और यदि हम एडिफाई ही नहीं कर रहे अपने अपलाइन को तो वो हमारी मदद कैसे कर पाएगा। तो आप चेक कीजिए इनमें से कोई गलती जाने या अनजाने आपसे तो नहीं हो रही, अगर हो रही है ठीक कर लीजिए। 10% मामलों में आप गलत ना भी हो तो भी अपलाइन आपका साथ नहीं दे रहे तो क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कोई गलत फहमी हो सकता है आपके बारे में अपलाइन को कोई गलत जानकारी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यह भी हो सकता है कि आपके और आपके अपलाइन के बीच में बहुत बड़ा गैप हो, बीच के सभी अपलाइन डीएक्टिवेट हो, यानी वो उतने ज्यादा एक्टिव ना हो, इनएक्टिव हो, लेकिन आपका जो एक्टिव अपलाइन है वो बहुत ऊंचाई पर हो और अभी आपने कोई विशेष उपलब्धि हासिल ना की हो। तो ऐसे किसी अपलाइन की नजरों में जाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करके किसी उपलब्धि पर आना होता है, उसके बाद वो अपलाइन आपके साथ काम कर पाते हैं। कभी कभी ये होता है कि आपके जो अपलाइन एक्टिव थे किसी जमाने में, आज वो एक्टिव नहीं है, आज वो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो अब उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, उनका ड्रीम सैचुरेट हो सकता है, और कभी कभी ये हो सकता है कि उनका एंटीना हिल गया हो सकता है, वो किसी प्रलोभन में आ गए हो सकते हैं, वो किसी कंपनी के झांसे में, किसी लालच में आ गए होते हैं। तो अगर आपके अपलाइन की शब्दावली बदलने लगे कि जैसे आजकल उतना मजा नहीं आ रहा, आजकल कंपनी में ये कमियां हैं, प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, प्रोडक्ट ठीक से नहीं आ रहे, सिस्टम इस तरीके से है, मेरे अपलाइन मेरी हेल्प नहीं करते, कहीं भी अगर आपको इस प्रकार का कोई लैंग्वेज सुनने को मिले, इस प्रकार का कोई वाक्य सुनने को मिले, आप समझ जाना आपके अपलाइन का एंटीना हिल गया है। और ऐसे किसी अपलाइन को आंख बंद करके फॉलो करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आपकी गलती है तो आप उसको सुधार लीजिए, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है और उसके बावजूद भी आपके अपलाइन आपकी मदद नहीं कर रहे, आपकी सहायता नहीं कर रहे, तो फिर आपको सात काम करने हैं। सबसे पहला काम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए अपनी कामयाबी के लिए। देखिए, बरगद की छांव में कभी कोई पेड़ बड़ा नहीं होता, और जो आंधी और तूफान को ना सहे वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। तो कामयाबी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, सपने आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई मदद ना करे तो किसको ब्लेम करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास एक मौका होता है कि हम ब्लेम करते हैं कंपनी को, अपलाइन को, सिस्टम को, प्रोडक्ट को, लेकिन बाहर किसको ब्लेम करते हैं? अरे वहां तो खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, क्यों नहीं यही सोच हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगले 5 साल के लिए बना लें। कौन रोक पाएगा आपकी कामयाबी को? कौन रोक पाएगा आपको सफल होने से अगर आप अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें?
ठीक है, आपकी अपलाइन आपके साथ है, ठीक है कंपनी आपके साथ है, ठीक है सिस्टम आपके साथ है, मगर ये लोग तब आपके साथ हैं जब आप खुद के साथ हैं। ये तब आपकी मदद कर पाएंगे जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आखिर सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी बदलने वाली है, तो थोड़ा दर्द तो आपको ही लेना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ तो आपको ही सहनी पड़ेगी, और थोड़ा मुश्किलों के बावजूद भी चलने की हिम्मत तो आपको ही बनानी पड़ेगी। आपके साथ देने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको शुरुआत करने की हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। कंडेम मत कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, दोषारोपण मत कीजिए, आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, लोगों को दोष मत दीजिए कि ऐसा है और मेरी किस्मत ऐसी है, वो साथ नहीं देता, कंपनी काम नहीं करती। आप जिम्मेदारी लीजिए, यकीन मानिए अगर आप जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ेंगे और आप शुरुआती सफलता हासिल करेंगे, तो वो अपलाइन अगर साथ नहीं दे रहे तो उनके ऊपर के ऊपर कोई ना कोई ऐसा अपलाइन जरूर होगा जिसकी नजरें होंगी आप पर, जिसको हीरे की तलाश होगी, और अगर आप हीरे की तरह थोड़ी चमक बिखेर देंगे तो यकीन मानिए ऊपर से उतर उतर कर अपलाइन आपके पास आएंगे और आपकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति को अच्छे लीडर की तलाश है, कोई ना कोई ऊपर जरूर होगा जिस व्यक्ति की निगाहें आप पर होगी। आप अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़िए। दूसरी चीज, अपने ड्रीम्स को मजबूत कीजिए। बिल्ड योर ड्रीम्स एंड मेक योर गोल्स। अपने सपने बनाइए, अपने लक्ष्य बनाइए, क्योंकि बिना सपनों के, बिना लक्ष्य के आपकी जिंदगी कहीं नहीं जा सकती। अपने सपनों को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब मुश्किल का दौर आएगा, जब तकलीफों का दौर आएगा, आपके सपने ही आपको उस दौर में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। कोई मदद कर नहीं पाता उस वक्त जब आपको वाकई में मदद की जरूरत होती है। उस वक्त अगर कोई आपकी मदद के लिए तैयार होता है तो वो आप खुद होते हैं। यदि आप अंदर से मजबूत हैं तो यकीन मानिए कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जो आपको रोक सके। तो अपने ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने सपनों को बिल्ड कीजिए। और इसके ऊपर मैंने एक 7 दिन का वर्कशॉप किया था बिल्कुल फ्री, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर से वो 7 दिन का वर्कशॉप देखिए, रोज एक वर्कशॉप देखिए, 7 दिन के बाद फिर रिपीट कीजिए, कई बार देखिए, तब तक जब तक आपके सपने बहुत मजबूत ना हो जाएं। और उसी पर मैंने एक ड्रीम विजुअलाइजेशन का वीडियो भी बनाया है। सुबह शाम 25 मिनट आप अपने ड्रीम को कुछ मत कीजिए, प्ले कीजिए वीडियो, आंखें बंद करके बैठ जाइए। अगर 25 मिनट सुबह शाम आप विजुलाइज करेंगे अपने सपनों को, आपके सपने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। थर्ड, डेवलप योर स्किल्स। हर वो योग्यता जो आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है वो आपको सीखनी है। जिम्मेदारी आपकी है, सीखना आपको है, बदलना आपको है, कामयाबी आपको लेनी है, और आप बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, मेरा विश्वास है। मगर जैसे आज हैं वैसे नहीं, थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ी स्किल्स को सीखना पड़ेगा, नए जमाने के साथ चलना पड़ेगा। जैसे पहले के समय में हमें जरूरत होता था प्रोस्पेक्टिंग, लोगों के पास होम मीटिंग कैसे करें, बड़े सेमिनार कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, अभी थोड़ा सा आपको और कुछ नई स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोगों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे दें, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से हम सब घर पे हैं और इस कोरोना के साथ हमको काफी लंबे समय तक जीना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि ये 15-20 दिन महीने भर में खत्म हो जाएगा मामला, अभी ये लंबा चलेगा, लॉकडाउन हट जाएगा, सारी चीजें खुल जाएंगी, मगर सावधानी, आपकी सावधानी आपके हाथ में है, आपको बहुत सावधानी के साथ बिजनेस करना होगा। सोशल गैदरिंग अभी लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका अल्टरनेट हमारे पास आ चुका है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े बड़े सेमिनार्स कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम YouTube के माध्यम से बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं और पूरी टीम के टच में हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जहां बाकी इंडस्ट्रियां संकट में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, बल्कि ये अकेला विकल्प बनकर उभरी है कि जो डूबते हुए को सहारा दे सकती है, जो लोगों को अपनी जिंदगी को वापस लाइन पे लाने में उनकी मदद कर सकती है। तो अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। चौथी चीज, पता लगाइए आपकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है। हर कंपनी में एक एजुकेशन सिस्टम होता है, बेसिक्स, कोर और कार्डिनल्स होते हैं, आपको वो पता लगाना है और उसको फॉलो करना है, क्योंकि विदाउट सिस्टम
कोई व्यक्ति, कोई भी बड़ा लीडर कभी बड़ा नहीं बन सकता अगर उसने सिस्टम को फॉलो ना किया होता। तो अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको सिस्टम का पता लगाना है। अगर आप जिस नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बेसिक स्कोर कार्डिनल्स नहीं है, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से वो कंपनी छोड़ देने की अपील करूंगा। तुरंत कंपनी छोड़िए और किसी अच्छी कंपनी में आइए। मैं कभी भी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी छोड़ने के लिए नहीं बोलता, मैं कभी भी कंपनी बदलने की सलाह नहीं देता, लेकिन कौन सी कंपनी जो 5P पर खरी उतरती हो, जो इथिकल हो, जिसके पास अपना एजुकेशन सिस्टम हो। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे करें सही कंपनी का चुनाव। आप उन 5P पर अपनी कंपनी को रख करके देखिए, अगर कंपनी ठीक है तो भले ही आज आपके पास कामयाबी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ना एक दिन आप लगे रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई गड़बड़ है, यानी अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है उस कंपनी के पास, तो तत्काल आपको कंपनी से बाहर आ जाना चाहिए। तो आपकी कंपनी का जो भी एजुकेशन सिस्टम है आप उसको चेक कीजिए और उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। आप सेल्फ एनालिसिस करते रहिए। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोल सकते हैं, वेदों में भी इसके बारे में बताया गया है कि आत्मनिरीक्षण करते रहना जरूरी है, खुद को चेक करते रहना जरूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान से गलतियां तो होंगी। अब भगवान है, मैं भगवान हूं, गलती सबसे होगी, हमसे गलती हो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन गलती हो और हमें मालूम ही ना पड़े, हम नशे में जीवन जीते रहे, हम ऐसा लगे कि बेहोशी में जीवन जी रहे, तकलीफ तब है। अगर रोज रेगुलर आप अपने आप को एनालिसिस करते रहेंगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, क्या मुझे और करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, अगर रोज अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो यकीनन आप बहुत सारी गलतियों के होने से पहले सावधान हो सकते हैं। छठवीं चीज, आप अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए अपनी एक्टिविटीज की, ज्यादा मेहनत कीजिए। अगर आपको सीखना है तो ज्यादा सीखिए, मीटिंग कर रहे हैं ज्यादा मीटिंग कीजिए, मिल रहे हैं लोगों से ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करवाइए, ज्यादा मेहनत के साथ काम कीजिए। आप अगले 5 साल का एक टारगेट बना लीजिए, खूब मेहनत कीजिए। शुरुआती सफलता के लिए मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि शुरुआती सफलता के लिए अप्लाइंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अप्लाइंग की जरूरत पड़ती है जब हमें एक बड़े मुकाम पे जाना है। तो शुरुआत की कामयाबी आप अपने दम पर, अपनी मेहनत पर भी ले सकते हैं। आप थोड़ी मेहनत कर अगर किसी इनिशियल कामयाबी पर आ जाते हैं, तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि आप उस चमकते हुए हीरे की तरह बन जाएंगे जो अंधेरे में चमकने लगेंगे और आपके ऊपर के कई सीनियर अप्लाइंग की नजर आप पर पढ़ने लगेगी। तो अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, अपने प्रयासों की मात्रा को बढ़ा दीजिए। एंड 7th and last, क्रिएट लीडर्स इन योर टीम। अपने नीचे अपने डाउनलाइन में लीडर्स क्रिएट कीजिए। जब तक आप खुद को डाउनलाइन मानते रहेंगे तब तक आपके मन में शिकायतें आ सकती हैं, वो नहीं मदद करता, वो मदद नहीं करता, वो नहीं होता मेरे साथ, उनको देखो उनके साथ कितना बढ़िया, मेरे साथ ऐसा, आप लोगों से कंपेयर करते रहेंगे जो कि बिल्कुल गलत है। आप जब अप्लाइंग की भूमिका में आ जाते हैं तो कंपेरिजन खत्म हो जाते हैं। तो आप अपने नीचे जल्दी से जल्दी कुछ अच्छे लीडर्स तैयार कीजिए जिनके अप्लाइंग की आप भूमिका निभा सकें और आप जिनको कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जा सकें। यदि आप खुद को भूल गए, अपने लक्ष्य, अपने सपनों को बना करके अपने किनारे रख दिया और अपने टीम के सपनों और लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया और उनके लक्ष्य, उनके सपने पूरे हो गए, तो क्या लगता है आपको, आपके सपने पूरे नहीं होंगे? ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, अगर आप लोगों के लिए काम करेंगे, अगर आप उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे, आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। यही तो खूबी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। अरे यही तो मजा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और इसी के लिए तो मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से प्यार करता हूं। अरे आपको भी मोहब्बत हो जानी चाहिए इस सिस्टम से, तो ये 7 चीजें कीजिए। मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, जिनको मालूम ही नहीं है कि उनकी अप्लाइंग कौन है, वो लगे रहे और जब वो एक अच्छी खासी इनकम पर आ गए, नीचे टीम बन गई, तब मालूम पड़ा कि ऊपर और कौन कौन अपलाइन है और उसके बाद अपलाइनों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अरे आप सोच कर देखिए कि कंपनी कोई भी शुरू होती है तो जो शुरुआत के लीडर जुड़ते हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं होता, उनको कौन सपोर्ट करता है?
एक मेंटलिटी होती है उनकी कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही अपलाइन हूं, इसलिए मुझे ही काम करना है। इस मेंटलिटी की वजह से उनको कभी अपलाइन की कमी महसूस नहीं होती। और अगर आप भी यही मेंटलिटी बना लें कि जहां से मैंने बिजनेस शुरू किया वहां से मेरा बिजनेस शुरू हुआ, मेरे ऊपर कोई है या नहीं है, है तो सम्मान कीजिए, नहीं है तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, रोइए मत और आप अपना काम करते रहिए। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप चमकने लगेंगे और ऊपर से ऊपर हर व्यक्ति आपके पास आकर आपसे पूछेगा आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे जरूर बताइए। तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि मेरा यह भी विश्वास है अगर आपके सपने पूरे होंगे तो आपके आसपास के बहुत सारे लोगों की उम्मीदें फिर से जिंदा होंगी। आप रोल मॉडल बनेंगे लोगों के लिए, आप एग्जांपल बनेंगे लोगों के लिए, आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। आपकी वजह से हजारों जिंदगियां बदलेगी। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, आप लीड करेंगे इस दुनिया को। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।